थिंक कहीं ना कहीं कई सालों से नॉन सीरियसली कभी स्कूल में कभी यहाँ कभी वहाँ योगा करते आए, लेकिन आई थिंक सीरियस प्रभाव योगा का जब पड़ा जब फिल्म्स के करते करते एक्शन फिल्म्स करते करते स्टंट्स करते करते बॉडी बहुत सारी इंजरीज हो गई, और इंजरीज से जिम जाया करते थे तो इंजरी और बढ़ जाती थी और दर्द शुरू हो जाता था, बॉडी बिल्कुल कड़क हो गई थी, स्टिफ हो गई थी, अकड़ने लग गई थी। सुबह उठते तो कभी गर्दन में दर्द, कभी शोल्डर में दर्द, कभी पीठ में दर्द, और तब मुझे काफ़ी लोगों ने एडवाइस किया कि योगा अगर आप शुरू करें तो योग से आपकी बॉडी में एक फ्लेक्सिबिलिटी शुरू हो जाएगी, एक सपलनेस, एक रिलैक्स्ड बॉडी बन जाएगी। और 6-7 साल से काफ़ी संयम के साथ में मैं फॉलो कर रहा हूँ। सुबह सुबह उठकर रोज़ 1 घंटे का मेरा योगा सेशन रहता है, और वो करने के बाद इतना चैन मिलता है, बॉडी इतनी रिलैक्स्ड फील करती है, क्योंकि जिम में हम जब वर्कआउट करते हैं तो एक ट्रेनिंग, मसल ट्रेनिंग का एक अलग कॉन्सेप्ट रहता है जिसका बहुत क्विक रिजल्ट मिलता है लेकिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं मिलता। और योगा का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको टोनिंग और वर्कआउट भी मिलता है, साथ में आपको स्ट्रेचिंग भी मिलती है, दोनों चीज़ें। आई थिंक ये कहने का बढ़िया तरीका है आपका, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि योगा कहीं ना कहीं आपको अपने करीब लेके आता है, एक स्पिरिचुअल बहुत सुंदर अनुभव है योगा, अगर आप उसे सही मायने में करें। डोंट लुक एट इट जस्ट एज एन एक्सरसाइज, जो शायद काफ़ी लोग करते हैं, स्टाइलिश एंड एक ट्रेंड और फैशन हो जाता है कि इस टाइप का योगा, उस टाइप का योगा, पर आप जेन्यून योगा अगर करने लग जाएं, एक सामूहिक, एक कंप्लीट उसका एक परिपूर्ण रूप से अगर देखें, तो उसमें नॉट ओनली फिजिकल एक्सरसाइज बट मेंटल रिलैक्सेशन, डी स्ट्रेसिंग, सब कुछ उसमें आ जाता है। और वो करते करते, क्योंकि आप अपनी ब्रीदिंग को फॉलो कर रहे हैं, हर हर स्टेप के साथ आप सांस, गहरी सांस ले रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपको अपने आप से जोड़ता है। जैसे मेरा अनुभव ये था कि मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ दर्द हो रही है या ये पेन है या यहाँ प्रॉब्लम है बॉडी में। योगा करते करते बॉडी आपको बताने लग जाती है, कम्युनिकेट करने लग जाती है, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अंदरूनी तौर पर एक एक जाने लगते हैं, और उसका एक एहसास, फाइनली रूहानी एहसास मिलने लग जाता है आपको। आई सल्यूट आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मुझे इतना अच्छा लगा ये महसूस करके, ये देख करके, एक एक गर्व से छाती भर गई कि पहले प्रधानमंत्री आए हैं जिन्होंने इस तरह से हमारी सभ्यता को, हमारे योग को पूरे विश्व स्तर पर कायम किया है। आज तक हम कल्चर के इम्पोर्टर रहे हैं, बाहर से हर चीज़ हम यहाँ लेके आए हैं। बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर की चीज़ें यहाँ नहीं आनी चाहिए, ठीक है, समागम अच्छा है। ये बस ग्रेट ग्रैंड मस्ती की शूटिंग चल रही है, और शूटिंग की वजह से 21 तारीख को नहीं जा पाएंगे दिल्ली, नहीं तो बड़ा मन था, लेकिन कर्म जो है वो सबसे बड़ा धर्म है, तो कॉम्बिनेशन शूटिंग है और गाना शूट कर रहे हैं हम लोग सब, तो योगा दिवस हम मुंबई से, फिल्म सिटी से मनाएंगे। आई थिंक ग्रेट ग्रैंड मस्ती में एक कॉन्शियस एफर्ट की है इंद्र कुमार जी ने, कि जो ओरिजिनल मस्ती बनी थी जिसमें मस्ती ज़्यादा थी और बाकी सब चीज़ें थोड़ी कम थी, आई थिंक कहीं ना कहीं ग्रेट ग्रैंड मस्ती उस छवि में, उस इमेज में वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर मोर न्यूज एंड गॉसिप डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बॉलीवुड हेल्पलाइन।